कसरावत के बाढ़ पीड़ितों और किसानों ने शुक्रवार को दोपहर में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री रहे विधायक सचिन यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर अपने जीवन यापन के लिए राज्यपाल से सहायता और मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। बाढ़ पीड़ितों और अन्नदाताओं ने विश्वास जीनिंग परिसर से एसडीएम कार्यालय तक राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर पैदल मार्च किया। कृषि मंत्री रहे विधायक सचिन यादव ने बाढ़ पीड़ितों और किसानों की मांगों को लेकर एसडीएम अग्रिम कुमार को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री रहे विधायक सचिन यादव ने राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में निमाड़ अंचल सहित विधानसभा क्षेत्र कसरावत में भारी बारिश और सरकार द्वारा निर्मित बाढ़ से तबाह हुए गरीबों और किसानों को शासन प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता राशि अथवा मुआवजा नहीं मिला है। गरीबों और अन्नदाताओं को अपना जीवन यापन करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी मदद नहीं मिलने से पीड़ितों में भारी जन आक्रोश है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मदद पहुंचना चाहिए, वो मदद नहीं पहुंच पा रही। अभी भी एसडीएम साहब कई जगह शिकायतें आ रही हैं, समय पे कई लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, समय पे भोजन नहीं मिल रहा है, पक्षपात हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है। अभी बड़गांव से आपने क्षेत्र का सघन दौरा किया है और जनता का भी त्राही त्राही है, जिस तरीके से आपके साथ भीड़ आई है, क्या देखा आपने और क्या कुछ लगा था? देखिए, पिछले दिनों जो शासन निर्मित जो आपदा आई थी, शासन निर्मित इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये जो त्रासदी आज हमारे लोगों के ऊपर आई है, ये पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया था, उस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आज लाखों घर बर्बाद हो गए, लोग घर से बेघर हो गए हैं, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर पशुधन का नुकसान हुआ है और कई लोगों का जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। 15 तारीख को वर्षा हुई, उस वर्षा के बाद जो स्थिति निर्मित हुई, एक इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उन बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में शासन नहीं पहुंच पा रहा है, उनको दो वक्त के भोजन की व्यवस्था हो, उनको तत्काल प्रभाव से 50,000 रुपये नकद राशि जो प्रभावित लोग हैं उनको देने की बात हो, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था स्थापित करने के काम हो, बिजली की व्यवस्था स्थापित करने की काम हो, जो मृत पशुधन है उन पशुधनों को व्यवस्थित वहाँ से निकालने के लिए की बात हो, ये तमाम बिंदु और साथ ही साथ जो सरदार सरोवर बांध से जो प्रभावित जो गांव हैं जिनको शासन ने उस सर्वे की सूची से बाहर कर दिया गया, हमारे महेश्वर बांध से जो प्रभावित गांव हैं उनके विस्थापन को लेकर के, उनको उनके पुनर्वास को लेकर के, ये सारी तमाम मांगे हमने आज ज्ञापन के माध्यम से हमने आज शासन को, एसडी महोदय को हमने महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और आज हमने चेतावनी दी है कि अगर ये शासन नहीं जागा और हमने जो मांगे हमने दी हैं, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो अगले 10 दिन के अंदर हम दोबारा एक व्यापक और एक बड़ा आंदोलन करने का काम करें और सरकार को जो है खड़ा कर, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम सभी साथी मिलकर करेंगे। आज इतना लंबे समय बीत गया है लेकिन आज दिनांक तक हमारे किसानों के जो फसलें बर्बाद हुई हैं उन बर्बाद फसलों का सर्वे करने के लिए दल तक गठित नहीं हो पाया है। पिछले 23 दिनों से हमारे पटवारी साथी आंदोलन पर बैठे हुए हैं लेकिन उन आंदोलन करने वाले जो पटवारी हैं उन तक शासन का कोई नुमाइंदा तक नहीं पहुँच पाया है। तो ये तमाम विसंगतियाँ हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं, तमाम जो परेशानियाँ हैं वो हमने आज अपने ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन को भेजी है और साथ ही साथ जो ये शासन निर्मित और प्राकृतिक निर्मित शासन निर्मित और सरकार निर्मित जो आपदा है, इस आपदा के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उसको भी ऊपर भी
जो है कार्रवाई हो, ऐसी भी हम लोग मांग हम लोग कर रहे हैं। कमल पटेल कृषि मंत्री जो है उनका कहना है कि हमारे हमें पटवारी की जरूरत नहीं, हम ड्रोन से सर्वे करा लेंगे, क्या कहना है? देखिए, ये सरकार का तानाशाही जो रवैया है, ये जो बोल है, ये जो शब्द है, ये उनकी तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाता है। और यही कारण है कि आज जो जनता है, वो जनता जो है दुखी हो रही है, जनता परेशान हो रही, जनता त्रस्त है। और ऐसे समय पे, संकट के समय में भी सरकार जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। संकट संकट में सहयोग करना था क्या? देखिए, मैं अभी पिछले दिनों हम पटवारी साथियों के बीच में पहुंचा था और उन्होंने मुझे अपनी मंशा जाहिर की कि हम लोग इस संकट के समय में, इस दुख के समय में हम किसानों के बीच में जाना चाहते हैं। हमारा जो जिम्मेदारी, हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम निभाना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, 23 दिन हो गए, ऐसा नहीं कि अभी ये आपदा ही है तभी वो लोग धरने पे बैठे हैं। उनकी आंदोलन कई समय से चल रहा है, और सिर्फ अभी से नहीं, पिछले 18 सालों से अपनी मांगों को लेकर के सिर्फ पटवारी नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम जो हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो तमाम लोग 18 साल से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो है उनकी भी आवाज़ नहीं सुनना पसंद कर रही है। ये बाढ़ आपदा ये, इसका क्या कारण रहा है? देखिए, जिस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे सरदार सरोवर बांध के गेट बंद करने का काम हुआ, और ऊपर से ओंकारेश्वर बांध के जो गेट हैं वो बिना किसी सूचना के, बिना किसी चेतावनी के, जो सारे गेट, वो भी सिर्फ एक कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए लगभग 7-8 दिन तक जो है बांध का पानी रोका गया। और ऊपर से बरगी बांध से और ऊपर जितने भी बांध हैं उन बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए एक जो वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग बता रहे हैं, वहाँ के ओंकारेश्वर के जो हमारे स्थानीय जो साथी बता रहे हैं, वहाँ पर एक पुलिया जो है, अस्थाई पुलिया का निर्माण किया गया था। उस अस्थाई पुलिया से जो है गुजर करके कार्यक्रम स्थल तक पहुँचना था, और वो पुलिया बह ना जाए इसीलिए लगभग 7-8 दिन तक जो है वहाँ पर नर्मदा जी का पानी रोका गया। और फिर जब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई तो सभी ओंकारेश्वर बांध के सभी गेटों को खोला गया, और उसी के कारण ये जो त्रासदी हुई है, ये त्रासदी उसी का परिणाम है। क्या सरदार सरोवर का पानी जो रोका गया था, क्या प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने के लिए रोका गया था? निश्चित रूप से ये सारी जो कवायद हुई है, सरदार सरोवर के जो गेट बंद किए हैं, सरदार सरोवर में जो पानी रोका गया, वो कहीं ना कहीं देश के जो मुखिया हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उस प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने के लिए ये सारी कवायद हुई थी। क्या एक तरफ प्रदेश के मुखिया लाडली बहना योजना लेकर के आए हैं, और कांग्रेस भी नारी सम्मान योजना लेकर के आई है, और इस आपदा के अंदर कई नारियां और कई लाडली बहनें घर से बेघर हो गई है, और शिवराज भैया आज तक इनकी कोई खबर नहीं लेने आए? लेकिन सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय कमलनाथ जी को, जिन्होंने हमारी जो मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति के लिए नारी सम्मान योजना उन्होंने लागू करने का काम किया था, जिसके तहत 1500 रुपये प्रतिमा हमारी बहनों को और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की योजना उन्होंने बनाई थी, और सरकार बनने के बाद हम उस योजना को लागू करने जा रहे थे। हमारी इस योजना को देखते हुए पिछले 18 सालों तक इनको हमारी बहनों की याद नहीं आई, लेकिन जब हमने ये योजना लागू हम लोग करने जा रहे थे, हमने शुरुआत करी, तो इन्होंने इस लाडली बहना योजना को उन्हें चालू करने की कवायद शुरू करी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक चुनावी योजना है, इससे हमारी जो माता बहनें हैं, वो माता बहनें भी जो है इन चीज़ों को समझ रही है कि 18 साल तक तो मामा को बहनों की याद नहीं आई, लेकिन अब जब चुनाव सामने हैं तो उनको बहनों की याद भी आ रही है। क्या इन मांगों को कभी पूरा नहीं किया जाता है बाढ़ पीड़ित लोगों को, आगे क्या धरना आंदोलन किया जाएगा क्या? निश्चित रूप से आज हमने चेतावनी दी है, और 10 दिन के अंदर अगर मांगे मानी नहीं गई है तो एक बड़ा आंदोलन जो है किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।